या मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैं इस गाड़ी में चल रहा हूँ, बट ये गाड़ी स्टार्ट ही है, टोचन के जरिए जा रही है। खूबसूरत DTH वायर जिससे मेरी गाड़ी हो रही है टोचन। दोस्तों, हाईवे पे यदि आपकी बाइक खराब हो जाए, और वो भी तब जब वो करीब 80 या 90 की स्पीड में चल रही हो और अचानक से चलते चलते वो बंद हो जाए और आपको पता ना चले कि उसमें हुआ क्या है, तो क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। हमारी बाइक अचानक से ख़राब हुई। हम रायपुर संबलपुर हाईवे पे हैं, NH 53 पे। हमारी गाड़ी 80-90 की स्पीड में बाइक चल रही थी, अचानक से वो ख़राब हो गई, गाड़ी बंद हो गई। क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। फिर हाईवे के किनारे उसे हमने लगाया और उसके बाद देखा प्रॉब्लम आ क्या रही है। साइड में चलाना, साइड में। हाँ ठीक है ठीक है, चल 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 चल, धीरे धीरे धीरे। हाँ ठीक है ठीक है, इंडिकेटर चला ले, इंडिकेटर। दोस्तों, बड़ा हॉरिबल एक्सपीरियंस है, मेरा गाड़ी खराब हो चुका है और एट द मोमेंट इस सिचुएशन में कोई हेल्प नहीं है, बिकॉज सारा दुकान, ऑटो वर्कशॉप जितो भी है, सब बंद हो चुका है। एक फाइनली एक जुगाड़, जो इंडियन जुगाड़ है, वो हमने किया है। सामने वो जो बाइक देख रहे हैं, उस बाइक से हमने टोचन किया है। ये पूरा एक वायर है, हालांकि वो अंधेरे में नहीं दिख रहा होगा। उस वायर को मैंने अपनी गाड़ी में बांधा है और फाइनली वो धीरे धीरे, ये गाड़ी मेरी यहाँ से उस टोचन के जरिए जा रही है, जो करीब 6 किलोमीटर आगे मेरे एक दोस्त का गांव है, फ्रेंड का घर है, वहां पे मैं इसको ड्रॉप करूंगा अपनी गाड़ी को। अबे रुको, हाँ साइड में ले, साइड में, साइड में। देखिए, जो वायर है, इस वायर से टोचन हो रहा है और यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर जो मेरे दोस्त का गांव है, उसका घर है, वहां पे इस गाड़ी को मैं खड़ी करूंगा रात में और फिर उसकी बाइक लेके अपने घर जाऊंगा, बिकॉज दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और करीब 6 किलोमीटर पहले ये गाड़ी जहाँ मेरी ख़राब हुई, वहाँ से अब इसको हम टोचन करके ला रहे हैं, बिकॉज शायद इसका जो चेन वायर टूट चुका है और टीप आना 10 नंबर का हमको चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो हमें मिला नहीं। बहुत ट्राई किया, 1 घंटा कोशिश की। ये देख पा रहे हैं पूरा हाईवे है और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, रात का करीब 9:30 बज गया, कोई मदद नहीं है। तो फाइनली हमने यही डिसाइड किया कि गाड़ी को टोचन करके 6 किलोमीटर आगे लेके जाएं, अपने दोस्त के घर पे गाड़ी खड़ी करें रात में और वहाँ से उसकी गाड़ी लेके फाइनली सेफली अपने घर पहुँचे और सुबह वापस आके इसको रिपेयर करवाएं, बिकॉज सेकेंड कोई ऑप्शन नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक ऑप्शन मिला है। सामने उस बाइक से टोचन कर रहा हूँ मैं, वो मेरा दोस्त जो आगे एक है वो चला रहा है उसे, मैं अपनी बाइक पे हूँ। एक वायर है, अच्छा वो वायर है वो बड़ा दिलचस्प है, हमें कोई रस्सी नहीं मिली अच्छी। तो क्या किया है हमने, DTH का जो वायर होता है, जो अपन TV वगैरह के कनेक्शन में लगाते हैं, उसको मैंने यूज किया है उस DTH के वायर के थ्रू इस गाड़ी को मेरी टोचन किया जा रहा है और ऑलमोस्ट आधा रास्ता क्लियर हो गया है। बड़ी इत्मीनान की बात है, बिकॉज इतना मुश्किल लग रहा था कि ये गाड़ी जाएगी कैसे, बड़ा मुश्किल लग रहा था। रात के 10 बजे ऐसे हाईवे में जब आप फंस जाएं, आपकी गाड़ी का अगर ख़राब हो जाए, तो सोचिए क्या ही हाल होगा। वही हुआ है मेरे साथ, बहुत इतना सफ़र, इतना ट्रेवल किया है मैंने, बट फर्स्ट टाइम इतनी बुरी हालत हुई है कि रात में इस हाईवे पे ऐसे आपकी गाड़ी ख़राब हुई है और कोई दूसरा हेल्प आपको नहीं मिल पाएगा इस टोचन। दोस्तों, इतनी ठंड है इस समय, इस ठंड में इस हाईवे पे मेरी गाड़ी टोचन हो रही है, क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कितना डेंजरस सिचुएशन है मेरे लिए। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैं इस गाड़ी में चल रहा हूँ, बट ये गाड़ी स्टार्ट ही है, टोचन के जरिए जा रही है। ये वो गाड़ी है जिसमें मैं टोचन कर रहा हूँ, और टोचन किससे हो रहा है, ये जो वायर आप देख रहे हैं, ये वायर एक DTH वायर, एक TV का वायर, जो TV कनेक्शन यूज होता है, इस वायर को जोड़ के हम टोचन कर रहे हैं। और कुछ किलोमीटर आगे मेरे एक दोस्त का गांव है, उसका घर है, हमने वहां फाइनली डिसाइड किया है कि इस गाड़ी को वहां पे रख देंगे और उसकी गाड़ी लेके मैं अपने घर रात में सेफली पहुंच जाऊंगा, फिर कल सुबह देखा जाएगा कैसे इसको बनवाना है। फिलहाल तो सेफली अपने घर पहुँचना है, इसकी जद्दोजहद लगी हुई है, जुगाड़ बना हुआ है और उससे जा रहे हैं। रास्ते में ये हाईवे दुकानें पड़ती हैं, पर यकीन जाए किसी काम की नहीं है ये दुकानें, किसी काम की नहीं। 10 नंबर का टिप आना नहीं है किसी के पास, जिसके जरिए मेरी गाड़ी बनाई जा सकती थी, क्योंकि
उसका चेन जो है वो शायद कहीं से टूटा है, और अगर वो पूरा कवर खुल जाता चेन का तो शायद ये बन सकता था, बट वो नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, गाड़ी टोचन करें और यहाँ से चुपचाप सही सलामत पहुँचने की कोशिश करें। देखिए अभी तो लाइट आ गई तो कैमरे में आपको बराबर दिख रहा होगा, ये रहा वो मेरा खूबसूरत DTH वायर जिससे मेरी गाड़ी हो रही है टोचन। जी हाँ, इस हाईवे पे NH 53 पे इस कड़ाके की ठंड में रात को 10:30 बजे मेरी गाड़ी टोचन हो रही है, क्योंकि गाड़ी हो गई है खराब और फाइनली मुझे पहुंचना है सही सलामत घर। देखिए एक कॉलेज है रास्ते में, मतलब रास्ते है बहुत कुछ बट आपके काम का कुछ नहीं, आपको जो चीज चाहिए यहाँ पे वो नहीं है, ये बड़ी परेशानी है कि सब कुछ होने के बाद भी कई बार आप इतने असहाय और इतने ज्यादा मजबूर हो जाते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं। एक सेकेंड, आराम से चला रवि, आराम से। इतनी ज्यादा परेशानी है, देखिए पीछे से ट्रक आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, अचानक से कुछ भी हो सकता है, और इतनी परेशानी में हम अपनी गाड़ी को टोचें कि किसी तरीके से हमारी गाड़ी सही सलामत सही जगह पे एटलीस्ट पहुंच जाए, ताकि ये रात में सेफली खड़ी हो जाए और मैं वहां से किसी दूसरी गाड़ी से अपने घर पहुंच सकूं। चलिए फाइनली टोचन वाला काम हो गया और मैं सही सुरक्षित पहुंच गया जहां मुझे पहुंचना था। मैं ये रवि टोडर का बहुत बड़ा हाथ है, ये बेचारे ने इस DTH वायर से जो मेरी मदद की है ना, यकीन जानिए आप इतना जुगाड़ सिर्फ रवि टोडर के पास ही रहेगा। देखिए ये सामने गाड़ी से टोचन करके और इन वायरों से होते हुए मेरी गाड़ी यहाँ तक फाइनली पहुँच गई, जो करीब करीब 6 से 7 किलोमीटर हाईवे पे टोचन किया हमने, क्योंकि मेरी गाड़ी मैंने जैसा बताया खराब हो चुकी थी। 10 नंबर का टीप आना नहीं मिला, 10 नंबर का टीप आना अभी हैशटैग होने वाला है, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरत का काम है और हर किसी को अपनी गाड़ी में 10 नंबर का टीप आना ज़रूर रखना चाहिए। घर में बीवी के सामने हो, किसी का भी चेन उतर सकता है, घर के अंदर घर के बाहर कहीं भी, तो 10 नंबर का टीप आना याद रखें, 10 नंबर का टीप आना ज़रूर रखें अपनी गाड़ी में, खासकर बाइक वगैरह में है, क्योंकि जब आपको अपनी गाड़ी धोखा देती है ना तो 10 नंबर का टीप आना आपके काम ज़रूर आता है। हटा दे वायर भाई, काम हो गया, मेरा गाड़ी घर तक पहुँच गया। अब इसकी गाड़ी हम यहाँ से लेते हैं और अपने घर चलते हैं, सुबह देखेंगे।